गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो आज फर्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उपसर्ग। कौन सा टॉपिक है? उपसर्ग। सबसे पहली बात ये कि उपसर्ग कहते किसे हैं? वे शब्दांश जो सबयोग अथवा धातु अथवा धातु से पूर्व जुड़कर शब्द में हो सकता है। एवं प्रतिकूलता कहते हैं विविधता, प्रतिकूलता उत्पन्न करते उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उन्हें सुने वे शब्दांश जो शब्दरूप अथवा धातु से पूर्व यानी पहले जोड़ करके शब्द में हो सकता एवं प्रतिकूलता, प्रतिकूलता से अभिप्राय है विपरीतता, विलोम विपरीतता या प्रतिकूलता उत्पन्न करते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। विद्वानों के द्वारा संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 22। देखें संस्कार विद्वानों के द्वारा सर्वों की संख्या कुल 22 स्वीकार की गई है। संस्कृत की संख्या कितनी मानी गई है? 22 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 22 मानी गई है। गौरव है, हर्ष है, अनमोल है, प्रीति है, आदित्य है, आशीष है, ऋषि नहीं है। यहां तक आप उसके बाद सबको ले पाता हूं।
सभी छात्रों ने कर लिया और उसके रेस करें। उतार लिए सभी ने? ओके साहब। हो गए सर, उतार लिया सभी ने? यस सर। सभी ने आगे चले?
हाँ सर, नोट लिखे यहाँ पर। यदि आलू बी 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 और प्रति के बाद कोई भी असमान स्वर आए, कैसा स्वर? असमान स्वर आए तो जन समझे का प्रयोग होता। क्या होगा यदि ये उपसर्ग है, यदि इनकी बात कोई भी असमान स्वर आता है तो हमेशा यण संधि का ही प्रयोग होगा। आप यात्रा बता रही है, इसके बाद उसके एग्जाम्पल बनाता हूं, समझ में आ जाएगा। जैसे प्रण प्लस आर में शब्द बन गया आपका प्रहार, परा प्लस जय शब्द बन गया पराजय, आपको समान सब बनेगा अपमान। सम प्लस मान सब बनेगा सम्मान, आपको प्लस दानम योगदान, प्लस शक्ति सब बनेगा निशक्ति, सब बनेगा निर्दोषा, नेर प्लस जने सब बनेगा निर्जने, दोस्त
दोनों पैदास जनाम शब्द बनेगा तुम जनाम आंगो पैदास को बसती सब नगया आवस्ती बताइए आता क्या आपने बता दिया होगा अब आए से दुश्मन उतना ही शक्ति का प्रयोग होगा तो जैसे शब्द आता है प्रति पेनस देना तो यह सब आसमान स्वर नहीं है तो सब बन गया हमारा प्रति देना प्रति पेनस एकम अब देखो ई के बाद आसमान स्वर आ रहा है ई के स्थान पर यह हो जाएगा समुद्रेगा प्रत्येका परि प्लस आवरण शब्द बन गया आपका पर्यावरण अनु प्लस वसती शब्द बन गया अनु वसती क्यों आसमान स्वर नहीं है यहाँ पर अनु प्लस आया या आसमान स्वर आ रहा है उसके बाद शब्द बनेगा अनुय होता है यहाँ पर उसको आदर कराता हूँ ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो कभी आता है कभी चला जाता है रजत तो नहीं है रजत तो है हो गए सर हो गए सभी के हो गए हाँ सर अभी नहीं हुआ लेफ्ट साइड के सर अनुवस्ती के नीचे चल रहा था सर जाता सपन गया अभी जाता अभी जाता कैसे कुछ को सर अभी ये बस पास है ये क्या कह रहा भाई ये नीचे नीचे सर हमने लिखा नहीं था हमने बोला तब तक आपने इधर का मिटा कौन नहीं लिखा था हाँ तो किसी बच्चे से पूछ लेना रिकॉर्डिंग में आ जाएगा सबको जो भी होगा रिकॉर्डिंग में जाएगा अभी प्लस आ रहे हैं बराबर अब क्या है
अपि पेलस आस्ते अभ्यास्ते पी प्लस आया में सब बन गया व्यायाम में प्लस अवगत सब बनेगा नियमगत अभी प्लस गमें सब बन गया अभी गमें अभी गम कहते हैं सीखना अभी प्लस आस्ते सब बनेगा अध्यास्ते प्लस आगत सब बनेगा स्वागत सभी ने उतर लिया अंदर लिया सर उतार लिया और आपका हिंदी में क्या चल रहा है मैं बताओ आपको क्या पढ़ाना है हिंदी में पर्यायवाची चल रहे हैं आपके ठीक है ये क्लास एंड करके 10 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करते हैं अपन ठीक है ये पर टॉपिक एंड हुआ है सब सर वाला कंप्लीट हो गया भाई ठीक और अगला टॉपिक आएगा वो पर्यायवाची वाला कराऊंगा।